जय हिंद कि हम चैन से सो पाएँ इसीलिए वह सो गया, कि हम चैन से सो पाएँ इसीलिए वह सो गया, वह भारतीय फौजी था जो आज शहीद हो गया। जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों यह अंतिम यात्रा का वीडियो देख रहे हैं जो आपको बताते चले कि राजस्थान के बूंदी जिले के शहीद 23 वर्षीय जवान कालू लाल नागर का अंतिम विदाई का वीडियो है। यह जवान देश की सेवा देते हुए बीते दिन 22 जुलाई को पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में शहीद हो गए थे। शहादत की सूचना घर पर आते ही पूरे घर पर मातम पसरा हुआ था। आज शहीद जवान की सेना के विशेष वाहन से पार्थिव शरीर के पैतृक निवास स्थान पर लाया गया, जहां पर पार्थिव शव को देखते ही एक महीने की वीरांगना पत्नी का रो रोकर हालत बेहद ही बेहोशी बन चुका है। शहीद जवान कालू लांगर का एक महीने पहले ही शादी हुआ था। महज अपने शादी के एक महीने बाद ही यह जवान शहीद हो गए हैं। शहादत से वीरांगना पत्नी का रो रोकर हालत बेहद ही बेहोशी बन चुका है। आज शहीद जवान के अंतिम यात्रा में हजारों दस हजारों जनसैलाब उमड़े हैं। सभी हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम, जब तक सूरज चांद रहेगा शहीद कालू लाल नागर तेरा नाम रहेगा, नारे से गूंज उठे पूरे पैतृक बांदी क्षेत्र। आपको बताते चले कि यह जवान 4 वर्ष पहले ही भारतीय सेना में कड़ी मशक्कत के साथ भर्ती हुए थे। वर्ष 2019 में भारतीय सेना में शामिल हुआ था। उन्होंने देश के अनेकों जगह देश की सेवा दिए, लेकिन दुख की बात यह है कि यह जवान की पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में जैसे ही तैनात हुआ तो वहां पर बताया जा रहा है कि वाहन के टायर में हवा भर रहा था, उसी दौरान टायर विस्फोटक हो गया और यह जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में साथियों ने तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर यह जवान शहीद हो गए। शहादत से वीरांगना पत्नी का रो रोकर हालत बेहद ही बेहोशी बन चुका है। आपको बताते चले कि यह जवान 1 वर्ष पहले ही भारतीय सेना में कड़ी मशक्कत के साथ भर्ती हुआ था। आज शहीद जवान के इनके पैतृक आवास पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। शहीद जवान का जैसे ही तिरंगा लेकर लोग इनके पार्थिव शरीर लेकर जैसे ही गांव में गगन भेदी नारा के साथ पहुंचा तो इनके वीरांगना पत्नी का रो रोकर हालत बेहद ही बेहोशी बन चुका है। आपको बताते चले कि यह जवान 4 वर्ष पहले ही भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। इन्होंने जैसे ही भारतीय सेना में भर्ती हुआ उन्होंने देश के अनेकों जगह सेवा किए, लेकिन दुख की बात यह है कि यह जवान पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में 22 जुलाई को देश की सेवा देते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। आज शहीद जवान के अंतिम यात्रा में लोग इनके पार्थिव शरीर पर पुष्पमाला बरसा रहे हैं और सभी नम आंखों से वीरमपूर्ण भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह जवान मूल रूप से राजस्थान के बूंदी जिले के हुंडौली प्रखंड का एक छोटा सा गाँव का रहने वाले थे और यह जवान देश की सेवा देते हुए पश्चिम बंगाल में शहीद हो गए थे। आज शहीद जवान की सेना के विशेष वाहन से पार्थिव शरीर जैसे ही इनके घर पर पहुंचाया गया, जहां पर पार्थिव शव को देखते ही वीरांगना पत्नी और वही माँ और पिता सभी का रो रोकर हालत बेहद ही बेहोशी बन चुका है। शहीद जवान कालू नागर 4 भाई थे। 4 भाई में बताया जा रहा है कि 2 भाई बड़ा था और वही 1 भाई छोटा है।